हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करेंगे काफ़ी पॉपुलर कंपनी के जॉब के बारे में। जी हाँ, आज हम यहाँ पे बात करेंगे अमेजोन कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में। अमेजोन कंपनी के बारे में आप सभी को पता होगा, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। सो यार, इस कंपनी में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, जॉब आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेजोन कंपनी में किस किस पद पर किस किस पोस्ट पर जॉब देखने को मिलेगा, जॉब का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताऊंगा, जो कि अमेजोन कंपनी की तरफ से निकाला गया है। सो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। डिटेल में जानेंगे कि आपको यहाँ पे अमेजोन कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल निकालना है, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगा गया है और कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि आवेदन कैसे करना है, अप्लाई फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, अमेजोन कंपनी में न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, नो फीस है, यानी कि फ्री में अप्लाई होगा, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, गुड सैलरी मिलेगा। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट यहां पे बहुत अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलने लगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपको अमेजोन कंपनी का जॉब का डिटेल निकालना है, जॉब के लिए आवेदन करना सीखना है वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए, तो सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ऐसा ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। बाकी इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों सिंपल सा काम है, हमें यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब का डिटेल निकालना है अमेजोन कंपनी का। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सिंपल सा काम है, वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेगा, कैटेगरीज में आपको मल्टीपल लेबल मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब का लेबल देखना है, जो कि आपको आखिरी में मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा, विप्रो जॉब के नीचे ये रहा वर्क फ्रॉम होम जॉब का लेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब के लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन वर्क फ्रॉम होम जॉब का यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो हमें यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब देखना है अमेजोन कंपनी का, तो हम फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अमेजोन कंपनी के वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में आर्टिकल्स। इस आर्टिकल में आपको डिटेल में मिलेगा कि किस कंपनी में किस पोस्ट पे जॉब है, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगा गया है और कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल मिलेगा और साथ साथ में यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है पढ़ लो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन वर्क फ्रॉम होम जॉब है, 5+ यहाँ पे वैकेंसीज हैं, जैसा कि देख सकते हैं कंपनी नेम अमेजोन होने वाला है, टोटल ओपनिंग 5+ है, यानी कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको 5+ वैकेंसीज देखने को मिलेगा। बाकी अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर सकते हैं, एज यहाँ पे 18 मांगा गया है। देखो यार, किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जॉब करने के लिए एज कम से कम 18 या फिर 18+ मांगा जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे ऐसा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि आगे आपको मिल जाएगा। और बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो सैलरी ऐसा शो नहीं किया गया है, बट आपको गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस नो फीस है, फ्री में अप्लाई होगा, लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो आपको फटाफट अप्लाई करना है। अब बाकी बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब प्रोफाइल व्यू करना है। सबसे पहला काम यह है, जो आर्टिकल है आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई का लिंक, आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जहाँ पे आपको अमेजोन कंपनी के वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी लेटेस्ट यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेट किया गया है अमेजोन कंपनी के बारे में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 6 जॉब फाउंड यहाँ पे हुआ है, रिमोट वर्क है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जॉब है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जॉब है जैसा कि आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आने के बाद जॉब प्रोफाइल कैसे निकाल के कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पे रिमोट लोकेशन जॉब है, यानी कि आप वर्क एट होम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोफाइल को व्यू करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जॉब है, अगर इसके लिए करना अप्लाई, इस प्रोफाइल को व्यू करना है तो आप यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जॉब का प्रोफाइल आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जॉब का टाइटल, आईडी और जॉब का टाइप, ड्यूरेशन परमानेंट जॉब है, और वर्क एड्रेस रिमोट वर्क लोकेशन है, मतलब आप वर्क एट होम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम विथ अमेजॉन कस्टमर सर्विस का जॉब है, और यहाँ पर रोल देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो और भी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 ईयर ओल्ड मांगा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बोथ, ठीक है, मतलब आपके पास इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का स्किल्स होना चाहिए। आपको पता है अगर आप कस्टमर सर्विस का जॉब करते हैं तो आपका इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देख लो, आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप मिनिमम 20 Mbps, आपके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन सब कुछ है। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके फ्री में कर सकते हैं अप्लाई। एंड यहाँ पे प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे वर्क असेसमेंट होगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपका यहाँ पे टेस्ट होगा फर्स्ट डे, मतलब यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, हायरिंग का प्रोसेस भी बताया गया है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेज पे आना, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इसका कुछ यहाँ पे प्राइवेसी है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि आप लोग अपना जीमेल या मोबाइल नंबर दे के यहाँ पे नेक्स्ट करो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए यूजर हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। यहाँ पे हमने अपना जीमेल आईडी एंटर कर दिया, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन एंटर करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे पिन होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे, जो कि हमने अकाउंट बनाते समय दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपकी जीमेल एड्रेस पे जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे साइन अप करते समय, रजिस्टर करते समय दिया था। तो जो भी कोड है वो हम यहाँ पे फटाफट एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा अमेजॉन जॉब की तरफ से वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे हमने कोड एंटर कर दिया, हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लॉग्ड इन हो जाएंगे, और हम लोगों के सामने एक अप्लाई का एक आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे फिल करना है, यानी कि भरना है। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा अप्लाई फॉर्म, इसी फॉर्म को भरना है। अब ये फॉर्म यहाँ पे अलग अलग टास्क है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चंस, और इसके बाद यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताना है, असेसमेंट है, रिव्यू एंड सबमिट है, ठीक है। तो फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है वो भी एंटर कर देना है, कंट्री, सिटी, तो जो आपका सिटी है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, स्टेट, तो जो आपका स्टेट है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर लेना है, फिर यहाँ पे पोस्टल कोड वगैरह भी आपको यहाँ पे बताना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है, तो जो आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर वो एंटर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ देख सकते हैं, आपसे एक नेशनल आईडी मांगा जाता है। अब यहाँ पे आएंगे नेशनल आईडी में, तो यहाँ पे टाइप मिलेगा, मतलब आप नेशनल आईडी में क्या लगाना चाहते हैं, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। तो इंडिया के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के लिए क्या यहाँ पे आईडी मांगा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया के लिए आधार कार्ड, ठीक है, हमने इंडिया का आधार कार्ड सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे नंबर देना है, तो अब यहाँ पे नेशनल आईडी का नंबर देना है, जो आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, जो आपके एज पर आधार हो। इसके बाद दोस्तों इस जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चला आप बता सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जॉब सर्च या फिर पोर्टल्स या फिर यूट्यूब वीडियोस, तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस होंगे कुछ नॉर्मल से, वो आपको यहाँ पे उसके आंसर देने होंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पे आंसर वगैरह मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर यहाँ पे आपको अपने अबाउट के बारे में बताना है, अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताना है,
है। फिर लास्ट में देखो यहाँ पे रिव्यू सबमिट होगा। रिव्यू सबमिट करने से पहले जो आप डिटेल्स यहाँ पे देते हो सब कुछ आप अच्छे से देख लेना, और अगर आप बिल्कुल सही है तो आप लोग फाइनल यहाँ पे रिव्यू सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट कर लेना, अप्लाई करना कैसे है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इजी तरीके से, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। एंड जाते जाते बताना चाहूँगा यहाँ पे देखो यार फ्री में जॉब मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कॉल करके मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे तो किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, ना तो कोई ओटीपी का लेन देन करना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा, मिलते हैं किसी ऐसा नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।